बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के लिए लखीमपुर खीरी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोटबंदी को लेकर एसपी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बड़े नोटबंदी पर काले धन का खात्मा करने की मुहिम को पूरा प्रदेश तरा रहा है, लेकिन बीएसपी और एसपी के नेता परेशान हैं। उनमें खलबली क्यों मची है ये जनता जानती है। उन्होंने कहा कि एसपी सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव महाठग हैं और मायावती महाठगनी है। मायावती ने टिकटों की नीलामी का बाजार बना दिया। वे दलितों और पिछड़ों की दुहाई देती हैं और पैसे की हवस में अंधी होकर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को चौराहे पर लाकर नीलाम कर रही हैं। मौर्य ने कहा कि यूपी की मौजूदा सरकार गुंडों की सरकार है। उनके मुताबिक अगर राम मनोहर लोहिया होते तो मुलायम सिंह की करतूत को देखकर आत्महत्या कर लेते हैं।